हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फौजी किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग एगलेस ब्राउनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और उसके लिए आपको ज्यादा प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ऑल हु हैव सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी ऑफ माइंड। एंड आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड 500 सब्सक्राइबर्स, विच इज अ बिग थिंग फॉर मी एंड इट काइंड ऑफ फील्स लाइक अ माइलस्टोन। सो इस ओकेजन को हम सेलिब्रेट करेंगे एक एगलेस फजी कुई ब्राउनी के साथ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट कुकिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। एक डबल बॉयलर में 1 कप चॉप्ड डार्क चॉकलेट ले लें, फिर इसमें डालें 1 स्टिक ऑफ बटर विच इज 100 ग्राम्स, और इन दोनों चीज़ को आंच पर गरम होने के लिए छोड़ दें। धीरे धीरे ये एक साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को एक साथ मेल्ट होने में अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट लगेंगे। आप धीरे धीरे इसे मिलाते रहें। ये इस तरीके से ये एक ग्लॉसी मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये गर्म हो तभी इसमें आप मिला दें 1 कप रेगुलर शुगर और इसको मिक्स करना शुरू करें। चॉकलेट और बटर की हीट से शुगर काफ़ी हद तक मेल्ट हो जाएगी इसी मिक्सचर के अंदर। ब्राउनी बनाने के लिए आप जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट यूज़ करेंगे, ब्राउनी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। यहाँ मैंने अमूल की 55% कोको कंटेंट वाली चॉकलेट ली है। अब इस मिक्सचर में आप मिलाएं 1 कप रिफाइंड फ्लावर, 1/2 चम्मच सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 कप कोको पाउडर। इन सभी चीज़ों को मिक्सचर के ऊपर छान कर इसे स्लोली स्लोली इसमें फोल्ड करना शुरू करें। अब इन सभी वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कट एंड फोल्ड मेथड के साथ स्लोली स्लोली कंबाइन करना शुरू करें। अब हम इस मिक्सचर में 1 कप दूध मिलाएंगे, पर स्लोली स्लोली 2-3 बैचेस में हम 1 कप दूध इस पूरे ब्राउनी के मिक्सचर में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ब्राउनी का बैटर रेगुलर केक के बैटर से काफ़ी थिक होता है, तो हमें यहाँ पर एक काफ़ी थिक और गुई कंसिस्टेंसी चाहिए इस बैटर की। इस टाइम पर आप अपना ओवन प्री हीट होने लगा दें। अब हम इस बैटर में मिलाएंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस एंड 1/2 कप ऑफ चॉप्ड वॉलनट्स, और इन सभी चीज़ों को ठीक से बैटर में मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को हम एक बेकिंग डिश में पोर करके इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे और इसे हम बेक होने के लिए लगाएंगे 180 डिग्री पर 30-35 मिनट तक। ब्राउनी को पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद ही काटें। एक अच्छी ब्राउनी बनने का साइन ये है कि उसके क्रस्ट पे काफ़ी सारे क्रैक्स होते हैं और अंदर से वो बहुत ही फजी एंड गुई होती है। सो अगर आपको मेरी ये ब्राउनी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको रेसिपीज कैसी लग रही हैं, और अगर आपके पास कोई सजेशन भी है तो। तब तक के लिए जय हिंद।